हमारे एक जानने वाले हैं इस्लामाबाद स्टूडियो, उनका सर नईम साहब, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि यार अदनान एक शॉट लेना है, तो चल कि टीम जा रही है तो तू भी चला जा और जाके एक शॉट लेके आ जाना, तो जा और सुबह करके आ जा। तो मैंने देखा, मैंने कहा ठंडियानी है एप्टाबाद, क्या कितनी ठंड हो जानी है, मतलब क्या इससे ज़्यादा क्या, वहाँ की यहाँ खजल हो रहे। मौसम बहुत आला है, लेकिन हम तैयारी में नहीं थे। हम शूज कौन से पहन के आए, ये वाले इकलौते शूज जो कि गंदे हो रहे हैं। सोचा था थोड़े बहुत सिनेमैटिक बनाएंगे, इधर माँ की आंख हाथ जो हैं जमे हुए हैं, शूज़ प्लेन है, सब कुछ पेड़ा गर्क हुआ है, गाड़ी फंसी हुई है और सिनेमैटिक बनेंगे, नहीं बन सकते खोते का सिर। भेजा गया था कि अगर कल शूट नहीं होता तो फिर आज कर लें, ठीक है। तो हमने सोचा कि नहीं, क्यों ना सुबह सुबह निकलेंगे और फिट सा शूट करके आएंगे। क्या ख्याल है आपका, यही ख्याल है? तो अभी हम आए हैं, माँ की आँख बर्फ वाली चल रही है, टाइम समाप्त हो गया। अभी ना हम शूट कर सकते हैं, कैमरा मेरा ख़राब हो रहा है, लेकिन कोई नहीं, शॉर्ट्स इतना नहीं है ना। तो अभी बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा हो गई, ज़िंदगी पहली दफ़ा बर्फ़बारी देख रहा हूँ। कल शाम को आराम से ज़िंदगी बसर कर रहा था, बैठा हुआ था, और अभी आना पड़ा यहाँ पे, लेकिन 10,000 के लिए जान नहीं देगा मैं। मिलेंगे अगर बचे तो, मिलते रहेंगे। बर्फ़बारी बहुत हरामी हो रही है इस वक्त। वकास शहजाद के साथ करोला अदनान असलम, अल्लाह हाफिज़। तो जितनी जोश से सुबह सुबह हम उठ के आए थे शूट के लिए, अभी उतनी ही जोश में हम वापस जा रहे हैं, क्योंकि बर्फबारी बहुत ज़्यादा हो गई है और ड्राइवर जो हैं दोनों ही ज़रा फारिग हैं। फारिग नहीं है फारिग हो जाएंगे अगर और आगे जाएंगे तो हम जा रहे थे वापस एप्टाबाद से मरी। तो हमारे जो ये साहिब हैं वकास शहजाद साहब, भी कहते हैं कि क्यों ना नथिया गली वाली साइड से जाएँ। मैं ठीक है, चलते हैं। तो हुआ क्या कि यहाँ पर भी बर्फ और रोडें ब्लॉक, रास्ते ब्लॉक। ये सामने से वो देखें हाथी नुमा कुत्ता बिल्डोजर आ रहा है रास्ता साफ करने के लिए। पूरा जो ट्रिप था ना, इसमें हम कल निकले हैं, आए हैं, कुछ नहीं किया, तो सिर्फ वीडियोस बनी हैं, शुगर लगाया है और गाने सुने हैं, गाड़ी चलाई है, और अभी हम जाएंगे वापस। ड्राइवर भी खुद हैं और गाइड भी खुद हैं, सब कुछ खुद हैं। ये अभी गाड़ी को आगे किधर नज़र आ रही है, ये चैनल गई हैं, तब गाड़ी जो है ना थोड़ी बहुत वो आगे इस बर्फ़ में जा रही है। जितनी की ये गाड़ी जो है ना वो सेक्सी है ना, जितनी की ये गाड़ी पावरफुल है भाई। आप लोग, हम लोग, सब लोग ये जो स्विफ्टें ले के, क्रोले ले के, सिविक ले के, सारा पैसा जाया भाई, ले लो ये, हर जगह ही चलेगी, बर्फ़ में चलेगी, पानी में चलेगी, पहाड़ में चलेगी, हर जगह ये गाड़ी चलेगी। बर्फ़ में भी चल रही है माई, अभी पहाड़ पे भी चल रही है, चढ़ाई भी चल रही है, पानी में भी चल रही है। मतलब कौन हो तुम, किसने बनाया तुम्हें ये बोलान? सेक्सीस्ट कार एवर, सेक्सीस्ट कार अलाइव। थोड़ी बहुत बर्फ़बारी दोबारा स्टार्ट हुई है, देख बोलने को कुछ है नहीं, इसे बस चल रहे हैं, लोकेशन दिखा रहे हैं। गाड़ी हमारी थोड़ी आगे चली गई है, क्योंकि लॉक के चक्रों में हम उतर गए थे, गाड़ी शायद आगे कहीं पार की। Oh my love, it's a long way we've come.
From the freckled hills to the steel and glass.